जब गांव का कोई लड़का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इलाहाबाद आता है तो वह अपने बेहतर भविष्य के लिए भूल जाता है अपना बचपन, बचपन की गलियां, बचपन के दोस्त और रिश्तेदार। प्रयागराज एक तरफ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है तो दूसरी तरफ यह विद्यार्थियों का संगम है, क्योंकि प्रयागराज में आपको मिल जाएंगे यूपी के लगभग हर जिले के छात्र। सलोरी, बघाड़ा, तेलियरगंज, गोविंदपुर, राजापुर में आपको हर जिले के छात्र मिल जाएंगे। इलाहाबाद में छात्रों का संघर्ष शुरू होता है रूम ढूंढने से। दुख इस बात का नहीं होता आपको रूम एक दिन में मिलता है या एक हफ्ते में, दुख इस बात का होता है जब मकान मालिक पूछते हैं आप किस जात के हो या लोकल तो नहीं हो। मगर यह खास बात तो है इलाहाबाद में पढ़ने वाले लड़कों में, वह चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर, वह सेकंड हैंड और पुरानी साइकिल चलाने में शर्म नहीं करता, ना ही वह हिचकता है बोरी में राशन लाने में। यहाँ के छात्र समय और पैसे की बचत के लिए एक ही कुकर में चावल, दाल और चोखा बना लेते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इलाहाबाद में पढ़ने वाले छात्र भारत के सबसे ज़्यादा जुझारू और संघर्षशील छात्र होते हैं, जो चाय पीते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र से भी जब कोई पूछता है क्या बनोगे या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके मुंह से केवल एक ही उत्तर निकलता है, IAS। यह जुनून है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का, जो अंतर करता है गाँव में रहकर BA करने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA करने में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई साहित्यकार, राजनेता, बिजनेसमैन और वैज्ञानिक दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 6 मुख्यमंत्री दिए हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मदन लाल खुराना, अर्जुन सिंह, विजय बहुगुणा। नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे और आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। UPSC के सिलेबस बदलने और कुछ विसंगतियों के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ वर्षों से थोड़ा धूमिल जरूर हुआ है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों के दिलों में अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय बसता है। IAS की फैक्ट्री, पूरब का ऑक्सफोर्ड और साहित्य का गढ़ कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 1981 में कई IAS दिए। केवल एक छात्रावास एंझा से 5 IAS बने, जिसमें से फर्स्ट रैंक होल्डर प्रदीप कुमार शुक्ला सर भी शामिल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में संघर्ष करने वाला लगभग हर छात्र जीवन में सफल जरूर होता है, कोई सही समय पर, कोई थोड़ी देर से। किसी को शौक नहीं है दोनों टाइम बर्तन धुलने और खाना बनाने और बेरोजगार बैठे रहने का। इलाहाबाद में पढ़ने वाले छात्रों के एक ही रूम में होता है स्टडी रूम, किचन और बेडरूम, और आलमारी पे रखी रहती हैं NCERT की किताबें, घटनाचक, महेश मणवाल, लक्ष्मीकांत, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा की पुस्तकें। वर्षों बीत जाता है लेकिन यहाँ के प्रतियोगी छात्र ज़्यादा नहीं जाते हैं कहीं घूमने। घूमने तब जाते हैं जब उनके रूम पे आता है कोई उनका गेस्ट, तब वो चले जाते हैं संगम, नैनी ब्रिज, करजन ब्रिज, खुसरो बाग। तो चलिए आपको यहाँ के स्थलों से रूबरू कराते हैं।
Thank you.